हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस कमाल के वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे यूनिक और काफी काम के गैजेट्स, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, कोलैप्सेबल वाटर बॉटल, फोल्डेबल चेयर और एक ऐसा रोबोट जो आपके घर के हर कोने में रखता है नजर। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही और भी यूनिक गैजेट्स मौजूद हैं इस वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक, ताकि आपसे कोई भी गैजेट मिस ना हो पाए। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। ड्रमी। दोस्तों, वैसे तो हम सभी के घरों में कपड़ों को धोने के लिए इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का यूज किया जाता है, जिसे एक तो बिजली काफी ज्यादा यूज होती है और बिजली जाने पर हम उसे यूज भी नहीं कर सकते, तो इसी को ध्यान में रखते हुए कनाडा के कुछ इन्वेंटर्स ने बनाया है इसे नॉन इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन ड्रमी को, जिसे आप बिना बिजली के अपने कपड़ों को धो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक मैनुअल फुड पावर्ड वॉशिंग मशीन होती है जो कम से कम पानी में आपके कपड़ों को साफ कर देती है। खैर, तो चलिए अब देखते हैं इसे यूज किस तरह से किया जाता है। वेल, तो इसमें आपको पहले अपने कपड़ों को डालकर उसके कैप को कस देना होगा और उसके बाद उसके कैप के ऊपर आपको अपने अकॉर्डिंग वॉशिंग लिक्विड को डालकर पानी को भी डाल देना है। दैट्स इट। जिसके बाद जैसे जैसे आप इसे अपने पैरों से पैडल करेंगे तो ये ड्रमी घूमते हुए अपना काम शुरू कर देता है। बात करें इसके साइज की तो ये ड्रमी साइज में बहुत ही छोटा होता है, जिसे आप जहां चाहे वहां प्लेस कर सकते हैं। क्यू वाटर बॉटल। दोस्तों, नॉर्मली जो वाटर बॉटल्स आते हैं उन्हें हमें रखने के लिए एक अलग ही स्पेस की जरूरत पड़ती है, फिर चाहे उसमें पानी हो या वो खाली बॉटल हो। लेकिन कैसा हो अगर आपकी वाटर बॉटल को आप कोलैप्स कर सके? वेल, तो मिले क्यू कोलैप्सेबल वाटर बॉटल से, जिसे आप बॉटल में पानी ना होने पर इसके असली साइज से आप इसे आधे साइज में कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ये बॉटल बनी हुई है 100% फूड ग्रेड सिलिकॉन मटेरियल से, जिसे इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है और भी ज्यादा हाई। बात करें इसकी वाटर कैपेसिटी की तो इसमें आप लगभग 1 लीटर तक पानी को स्टोर कर सकते हैं, और साथ ही इसमें आप ठंडे से ठंडे पानी को डालने से लेकर आप इसमें अप टू 400 फेरनहाइट तक के गर्म पानी को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। दैट्स गजब। लीक प्रूफ, शॉक प्रूफ और नॉन टॉक्सिक बढ़िया सी वाटर बॉटल सच में काफी यूजफुल है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे amazon.in से 499 rupees में खरीद सकते हो। सिट पैक। वैसे तो हम अपने घर में आराम से बैठने के लिए यूज करते हैं इंडोर चेयर्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने इंडोर चेयर्स के नाम से क्यों बुला रहा हूँ। वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आउटडोर में यूज होने वाली चेयर। हाँ हाँ, चेयर, वो भी आउटडोर के लिए। दरअसल ये आमतौर पर आने वाले चेयर से बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि ये चेयर पोर्टेबल होने के साथ फोल्डेबल फीचर के साथ आती है, जिसके असली साइज को देखकर आप यकीन ही नहीं करेंगे। वेल, तो इसे यूज करने के लिए आपको बड़े सिंपल से स्टेप को फॉलो करना होगा, जैसे कि चेयर को फ्लिप करके ओपन, पुल आउट ट्विस्ट करिए इसके टेलीस्कोपिक को, और फाइनली जहां चाहे वहां रख दीजिए अपने इस कॉम्पैक्ट चेयर को। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो ये चेयर बनी हुई है मजबूत मटेरियल से, जो ड्यूरेबिलिटी में बेस्ट तो है ही, लेकिन है काफी लाइट वेट, वो भी सिर्फ 970 ग्राम्स की। तो अगर आपको एक आउटडोर चेयर चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट जरूर करें। रॉयड मी। रॉयड मी एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाया हुआ ऑल इन वन टायर इन्फ्लेटर है, जिसे आप कर सकते हैं सिर्फ एक ही क्लिक में किसी भी व्हीकल के टायर में एयर को फिल, जैसे कि मोटरसाइकिल टायर, बाइसिकल टायर, स्पोर्ट बॉल और स्विमिंग रिंग को इन्फ्लेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेल, तो रॉयड मी आता है इजी ऑपरेशन के साथ। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें आपको एक डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा मिलती है और 4 इंटेलिजेंट मोड्स, जिसे आप अपने मुताबिक चूज कर सकते हैं सिंपली सिंगल बटन प्रेस से एयर को फिल। ये मशीन अप टू 150 psi कैपेसिटी के साथ आती है, जिससे टायर को कम से कम समय में इन्फ्लेट कर देती है। फाइनली इसमें 2600 mAh की रिचार्जेबल बैटरी लगे होने के कारण आप इसे टाइप सी पोर्ट से इजीली चार्ज भी कर सकते हैं। और खास बात तो यह है कि इसमें आपको एयर फिलिंग ऑप्शन के अलावा नाइट के लिए 3 लाइट मोड्स वाली एक टॉर्च भी देखने को मिलती है। वाह। एबॉट रिले। अब आ जाते हैं आज के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट स्मार्ट रोबोट पर। हाँ हाँ, एक स्मार्ट रोबोट। वैसे रोबोट कम एक चलता फिरता होम मॉनिटरिंग डिवाइस है, जो रखता है आपके गैर मौजूदगी पर आपके घर पर पूरी तरह से नजर। तो सिंपली आपको करना है इस रोबोट को अपने फोन से वाईफाई के जरिए कनेक्ट और ओपन करना है इसका अपना एप्लीकेशन एपबॉट को, जिसके बाद आप उस रोबोट को जहां चाहे वहां भेजकर देख सकते हैं अपने घर के हालात को। इसमें आपको एक फुल HD कैमरा प्लस ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही रोबोट मोशन डिटेक्ट होने पर आपको अलर्ट नोटिफिकेशन भी भेज देता है, जिससे कि आप सतर्क रहें। और इसके ग्रिपी बेल्ट इसे रखते हैं किसी भी सरफेस पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार। कई सारे स्मार्ट सेंसर्स के साथ आने वाला ये रोबोट आपको मिलेगा 2 अलग अलग रंगों में, एक है रेड और दूसरा ग्रीन। ये रोबोट अपने चार्जिंग डॉक पर खुद ब खुद ही लग जाता है। वाओ, अमेजिंग। स्प्लैच।
वैसे हम अपने डेली कम्यूट में इस्तेमाल करते हैं 2 या 4 व्हील व्हीकल का, जिससे एक तो ट्रैफिक में अटकने के चांसेस होते हैं और वही दोस्तों पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि कुछ बोलो ही मत। वेल तो अब हमें इन दोनों दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना होगा, क्योंकि अब आ गई है स्प्लैश इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो आपको देती है पेट्रोल भरवाने से छुटकारा। क्योंकि ये स्कूटर पूरी तरह से 960 वाट की मोटर से चलती है, जिसे होती है जरूरत बैटरी पावर की, और स्कूटर अप टू 25 माइल पर आवर की स्पीड से चलती है, वो भी सिर्फ 4 से 6 सेकंड्स में। और इसका डुअल सस्पेंशन सिस्टम आपको देता है अल्ट्रा स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस। और बात करें इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की, इसके ब्रेक्स डुअल वेव डिस्क पैड के साथ आते हैं, जो आपको देते हैं क्विक रिजल्ट्स। साथ ही आप इसे 2 तरीके से राइड कर सकते हैं, खड़े होकर और दूसरा बैठकर। फाइनली इसमें 48 वोल्ट 10.2 एम्पीयर की बैटरी लगी होती है, जिसे एक फुल चार्ज पर आप इसे लगभग 22 से 25 माइल्स तक रन कर सकते हैं। ब्रेथ एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर समय साफ सुथरी हवा प्रोवाइड करने में काफी मदद करते हैं, लेकिन जो नॉर्मली एयर प्यूरिफायर आते हैं वो काम करते हैं मल्टीपल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम पर, लेकिन ये वाला ब्रेथ एयर प्यूरिफायर काम करता है डायरेक्ट पौधों से। मतलब आपको करना होता है बस इसमें अपने पौधों को प्लेस और फिर पानी को डालकर आपको बस छोड़ देना है, जिसके बाद ये डिवाइस अपने आप काम करना शुरू कर देता है, मतलब एयर प्यूरिफिकेशन। साथ ये डिवाइस आता है अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन के साथ, जिसे आप अपने फोन में इंस्टॉल करके जान सकते हैं कब कब आपके पौधों को जरूरत है पानी की। और आप अपने फोन से एयर प्यूरिफिकेशन टाइम को भी सेट कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ये न्यूटेक एयर प्यूरिफायर अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे बेहतरीन गैजेट साबित हो सकता है। वाटर प्यूरिफायर। दोस्तों इससे पहले वाले गैजेट में हमने कवर किया था एक एयर प्यूरिफायर को, तो अब हम कवर करेंगे एक वाटर प्यूरिफायर को। वेल ये तो हमें मालूम है कि अगर हमें साफ सुथरे पानी को पीना होगा तो हमें यूज करना होगा वाटर प्यूरिफायर का, जिसे हम घर में तो आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब हम होते हैं बाहर, जैसे कि जंगल में, जहां पानी तो आसानी से मिल जाता है लेकिन नॉन प्यूरिफाइड, जिसमें कई सारे बैक्टीरिया जर्म्स जमे होते हैं। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इस वाटर बॉटल प्यूरिफायर को, जो दिखने में बिल्कुल एक वाटर बॉटल ही लगती है, लेकिन जैसा कि यह है एक वाटर प्यूरिफायर, तो आइए देखते हैं इसका यूजर डेमो। पहले इसमें आपको अपने हिसाब से फिल्टर को चूज कर बॉटल के अंदर डाल देना है, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह से बॉटल को पानी में रखकर पानी को वैक्यूम करना है, जिसके बाद देखते ही देखते आपके पीने लायक पानी हो जाएगा तैयार। और इसके सारे फिल्टर्स 99.9% तक पानी को साफ करते हैं, जिससे आप गंदे से गंदे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बना सकते हैं। गोगो बर्ड हाउस। अब दोस्तों अगर आप बर्ड्स लवर हैं तो आपको इस प्रोडक्ट को जरूर देखना होगा, क्योंकि ये आपके लिए करता है बर्ड्स को इनवाइट। ये एक ऐसा हाउस है जो स्मार्ट होने के साथ ही साथ इसमें एक हाई क्वालिटी कैमरा भी लगा होता है, जैसे कि जब भी कोई बर्ड इस घर में आए तो वो कैमरा काफी नजदीक से उसके इमेजेस को आसानी से कैप्चर करता है। और ये कैमरा 120 डिग्री वाइड व्यू के साथ आता है। और अगर बात करें इसकी फीचर्स की, तो इसमें आपको नाइट मोड वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन पर रात को भी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और बात रही इस घर के स्पेस की, तो इस घर में बर्ड्स को आराम करने के लिए काफी बड़ी जगह मिलती है, साथ ही आपको बर्ड्स को देखने के लिए उस घर के पास रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह कैम आपको बर्ड आने पर कैप्चर्ड इमेजेस के साथ आपको इंस्टेंटली नोटिफाई भी कर देता है। हस्क बस्टर। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें नारियल के छिलकों को निकालने में कितनी ज्यादा मशक्कतें करनी पड़ती है, लेकिन अभी हस्क बस्टर के साथ आपको नारियल के छिलके निकालने में कोई बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैनुअल कोकोनट डी हस्किंग टूल है, जो सॉलिड स्टील से कंस्ट्रक्टेड होता है, जिसे इस्तेमाल करना भी है बेहद आसान। तो देखिए इसे किस तरह से यूज किया जाता है, देख लिया ना आपने। वेल तो ये टूल मजबूत होने के साथ ही साथ तेज धार वाला टूल है, जिसे कुछ ही मिनटों में आप नारियल के छिलके को निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये टूल सभी के घरों में होना ही चाहिए, है ना दोस्तों। वेल तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे करें लाइक और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में आने वाले बेल आइकॉन को रख लीजिए ऑल पर, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। और दोस्तों अगली वीडियो में आपको किस तरह के गैजेट चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खैर तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, गुड बाय।